आज इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि अपने किराना स्टोर को एक मॉडर्न सुपरमार्केट में क्यों बदलना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और किस तरह आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। अब हम ये फायदों का कुछ विशेष मुद्दों पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सुपरमार्केट में जब आपकी सेल काफ़ी बढ़ जाती है, हो सकता है 1.5 गुना 2 गुना उससे भी ज़्यादा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो सेल करने के लिए आपको अपनी इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ध्यान रखिए कि जो परचेसिंग आप करते हो वो सेल के बाद होनी चाहिए। ये रूल है, परचेस विल फॉलो सेल। आप एक सुपरमार्केट में स्टॉक को 7 से 15 दिन के अंदर रोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी मंथली सेल 40 लाख है तो आप 10 से 20 लाख के बीच में स्टॉक रखते हैं। आपको 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बहुत सारे स्टॉक आपको उधार यानी क्रेडिट पे मिल रहे हैं। इस तरह अगर अपने स्टॉक को जल्दी जल्दी रोटेट करिए तो क्रेडिट पे माल लीजिए, तो ये भी हो सकता है कि आपको स्टॉक का पैसा ही ना लगे, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आपकी दुकान चले। जब आप सुपरमार्केट बनाकर कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगते हैं तो अपने कस्टमर के बारे में जानकारी या डेटा रखना बहुत आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। क्या ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनियां लोकल स्टोर से पार्टनरशिप कर रही हैं, जो कि ऑर्डर आने पर कस्टमर्स को लोकल डिलीवरी दे सकते हैं? अगर आप सुपरमार्केट है और कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी किसी मार्केट प्लेस या मार्केट ऐप से सेलिंग प्लेटफॉर्म का बड़ा हिस्सा आसानी से बन सकते हैं और ऑनलाइन सेल का बिजनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपको अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और एक्स्ट्रा सेल भी मिलेगा। हर बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुनाफा, प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप एक सुपरमार्केट बन जाते हैं, अपनी सेल बढ़ाकर, मार्जिन बढ़ाकर, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाकर, डेटा का सही इस्तेमाल करके, अपनी कॉस्ट पर नज़र रख के, उनको कंट्रोल करके, आप अपनी प्रॉफिट का काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। सुपरमार्केट को मैनेज करना और किराना स्टोर को मैनेज करने में बहुत फ़र्क है। जब आपने सुपरमार्केट बना लिया है, लोगों को उनका काम समझा दिया है, तो आपको गल्ले पर बैठने की ज़रूरत नहीं होती। किसी और काम की वजह से आप स्टोर में नहीं हैं तो आपका स्टोर चलता रहता है। एक सुपरमार्केट वाला अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अच्छी तरह से निभा सकता है। माल चोरी होना का डर। जब भी किराना स्टोर को मॉडर्न सुपरमार्केट में ट्रांसफॉर्म करने की बात होती है, अक्सर लोग मन से ये सवाल आता है, हम काउंटर पे बैठे हैं, कस्टमर बाहर खड़े हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, मेरा स्टॉक स्टोर के अंदर है, सुरक्षित है, लेकिन अगर मैं सुपरमार्केट बना दूंगा, लोग अंदर आएंगे और हर सामान तक पहुंचेंगे, तो सामान की चोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मेरा बिजनेस को बहुत नुकसान होगा। हाँ, ये सच है कि स्टोर में चोरी होती है, किराना स्टोर में भी होती है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि स्टोर को सही तरह से मैनेज करें तो आपको स्टॉक लॉस 0.5% भी नहीं आएगा, मतलब 0.5% से ज़्यादा नहीं होगा। आप सोचिए, अगर आपका बिजनेस उसी स्टोर में 1.5 या 2 गुना हो जाता है और अगर 0.5% स्टॉक लॉस भी है, जो कि रिटेल में हर जगह होता है, इससे बाद भी आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लोग ये भी सोचते हैं कि स्टोर ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कई दिनों तक मुझे अपना स्टोर बंद रखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि अगर आप स्टोर को नया बनाने में प्लानिंग में समय एफर्ट्स लगाएं और अच्छी तरीके से तैयारी करें तो आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा स्टोर बंद करना नहीं पड़ेगा। जो भी खर्च होगा उसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टाइम टेस्टेड है।
और आपको पहले से पता होगा कि आपको स्टोर ट्रांसफॉर्म करने में कितना खर्चा होगा। अभी तक देखा गया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट स्टोर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है वो एक साल के अंदर पूरा रिटर्न मिल जाता है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि सुपरमार्केट के लिए जैसे प्रोफेशनल स्टाफ चाहिए, वैसा स्टाफ आसानी से नहीं मिलता है और बिजनेस चलाने में मुश्किल होती है। ये बिल्कुल सच नहीं, बल्कि सुपरमार्केट में स्टाफिंग करना बहुत आसान हो जाता है। पहली बात तो बहुत से लोग जॉब के लिए सुपरमार्केट में अप्लाई करना चाहते हैं, और दूसरी बात, स्टाफ को ट्रेन करना सुपरमार्केट के सिस्टम में काफ़ी आसान होता है। आप सिर्फ 2 हफ्तों में अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हालांकि एक साथ कर देने से आपको पूरा फायदा जल्दी मिलने लगेगा, लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई संकोच या शंका है तो आप उसको एक से ज़्यादा फेज में यानी स्टेप्स में कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस और कंफर्ट बढ़ता है आप ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिशनल किराना स्टोर के लिए मॉडर्नाइजेशन क्यों बेहद ज़रूरी है और इसमें आपके कस्टमर्स और स्टाफ के लिए क्या फ़ायदे हैं, तब तक आप इन फायदों के बारे में सोचिए और बताइए क्या आप बनना चाहते हैं सुपरमार्केट वाला।